यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त अटैक लगातार जारी है। दो जगहों पर भले ही उसने सीज फायर किया हो, लेकिन मिसाइल के बड़े जखीरे पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी, मिसाइल बड़ी तादाद में जैवलिन, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर, यूक्रेन बड़ी तादाद में जैवलिन और NLAW मिसाइल बर्बाद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आज तक पर आप देख रहे हैं। वेयरहाउस में जमा था मिसाइल का जखीरा, जहां तो मेर से यह खबर सामने आ रही है, वेयरहाउस में जमा था मिसाइल का बड़ा जखीरा, जहां पर रूस ने जबरदस्त तरीके से राजेश हमला किया है। देखिए चित्रा, जो अभी जो मिसाइल सप्लाई हुई है यूक्रेन को, जो हथियार को जखीरा दिया है पश्चिमी यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने, उसमें जो मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट थे वो ये दो मिसाइल थी, जैवलिन मिसाइल जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं और टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ बहुत कारगर साबित होती हैं। और ये इनके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इनको चलाने के लिए कोई लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। कोई भी आम आदमी जो चलाने के लिए तैयार है, एक दो दिन में तैयार किया जा सकता है और वो बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इसी प्रकार स्टिंगर मिसाइल्स हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और ये मिसाइल बड़े तौर पर अफगानियों ने रूस के खिलाफ इस्तेमाल की थी late 70s early 80s में, जिससे रूस को वहां हारना पड़ा था और वापस आना पड़ा था। वही मिसाइल्स अभी अमेरिका ने जो है यहाँ यूक्रेन को सप्लाई की है, ये सारी की सारी। तो दोनों बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं और इनका जो जमावड़ा है, जो इन्होंने स्टोरेज किया है, क्योंकि एकदम से आया है, इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज ठीक से नहीं थी और इन्होंने ये प्लान किया है कि काफी सारी मिसाइल्स सिविलियन मिलिशिया को दी जाए, क्योंकि अगर बात गोरिल्ला वॉरफेयर पर आती है तो ये मिसाइल्स आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दो आदमी कहीं भी छुप के बैठ सकते हैं और जहां उन्हें आर्मर्ड कॉलम दिखेगा एक सेफ डिस्टेंस से वो फायर करके टैंक तबाह कर सकते हैं। तो जो ये सिविल मिलिशिया के लिए मिसाइल दी गई हैं, इनको ऐसे ही जल्दबाजी में कहीं शहरी इलाकों में नॉर्मल वेयर हाउसेज में, जो कि मिलिट्री वेयर हाउस नहीं है, प्रॉपर जो वो स्टोरेज डेपोज नहीं है एम्यूनिशन के, वहां रख दिया गया है, जहां एक तो वो वैसे ही अनसेफ है, दूसरा जैसे मैंने बोला रूसी मिलिशिया भी हर शहर में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, उन्हें इसकी जानकारी है और अगर वो कोऑर्डिनेट पास करते हैं उस एरिया के कि यहाँ ये मिसाइल रखी हैं, तो उसमें रशियन फौज को 2 सेकंड लगते हैं उस कोऑर्डिनेट को लॉक ऑन करने के लिए और उसको तबाह करने के लिए। चित्रा, जनरल मेस्टन आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, राजेश आप ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं, जनरल मेस्टन आपका सवाल। राजेश, दो क्विक सवाल। पहला, हर चीज में एक मेजरमेंट होती है, मिलिट्री अचीवमेंट, आज 10 दिन की लड़ाई में जो मेरे को लगता है एक मिलिट्री अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ होता है ऑब्जेक्टिव्स और इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन पावर एंड मिलिट्री हार्डवेयर। जहां तक कैप्चर का सवाल है, सिर्फ 2 शहर है, खरसिया और ज़ापोरिज़्या, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट है वो कैप्चर हो चुका है, बाकी कोई अभी तक, उसको यूक्रेन दावा कर रहा है कि दोबारा से हमने अपने हिस्से में मिला लिया। और दूसरा है कि मिलिट्री अचीवमेंट्स में इन टर्म्स ऑफ ट्रुप्स और मिलिट्री हार्डवेयर, जनरली हम बोलते हैं कि एक टैंक बटालियन नष्ट हो गई है या 2 इनकी ब्रिगेड नष्ट हो गई हैं, तो आपका क्या इस पे व्यू है? नंबर 2 है कि प्रेसिडेंट पुतिन का एक बहुत बड़ा, कई ऑब्जेक्टिव थे पॉलिटिकल, एक ऑब्जेक्टिव था डी नाजीफाई, आपके मत लिहाज से ये रूसी आर्मी डी नाजीफिकेशन कैसे हासिल कर रही है? राजेश, देखिए जो पहला सवाल है आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, उन्होंने मिलिट्री ने क्या क्या अब तक अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो तबाही के तौर पे कि कितने टैंक्स नष्ट कर दिए हैं, कितने ट्रुप्स को मार डाला है, कितने जहाज नष्ट किए हैं, कितने आर्टिलरी गन्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं, इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी अभी पूरे वर्ल्ड मीडिया में किसी के पास नहीं है। बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही है, दोनों साइड बहुत बड़ा चढ़ा के दुश्मन के लॉसेस को बता रही हैं, तो कुछ भी वेरीफाई करना अभी जल्दबाजी होगी और कोई भी वर्ल्ड मीडिया भी, मेरे साथ 25 देशों के पत्रकार साथ में हैं, कोई भी इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। जहां तक टेरिटरी का सवाल है, रशियन आर्मी ने जो टेरिटरी गेन की है वो ट्रेमेंडस है ईस्टर्न यूक्रेन में, चाहे उन्होंने शहर बहुत कम कैप्चर किए हों, उसका कारण है कि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं चाहते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड, दे हैव गेन्ड लॉट ऑफ ग्राउंड, उन्होंने काफी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में। और जहां तक आप ज़ापोरिज़्या की बात कर रहे हैं, ज़ापोरिज़्या काफी अंदर है, बिल्कुल डिप्र के निप्रो रिवर के कोस्ट पे है, उसकी बैंक्स पे है, तो आप देखिए चाहेंगे बीच के शहर कब्जे किए हो ना किए हो, लेकिन पूरी टेरिटरी उस बीच की उन्होंने कब्जे में कर ली है।